हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास से हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो एजेंडा क्या रहेगा आज का हमारा, हम सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर उसकी फॉर्मेशन देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंस उससे कैसे बनते हैं, और इंटरोगेटिव सेंटेंस आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कैसे बनते हैं, उनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो उसके लिए अगर हिंदी में आपका सेंटेंस से रहा था, से रही थी, से रहे थे, इन पर एंड होता है तो आप कह सकते हो कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ओके, चलिए अब हमें आइडेंटिफिकेशन तो पता लग गई, उसकी पहचान तो पता है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो उसके लिए आपको फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अब फॉर्मेशन जो है इसकी सेंटेंस की, वो कुछ ऐसी होती है कि आपके पास सब्जेक्ट होता है, फिर हैड होता है, फिर बीन होता है, वी फोर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपके पास सिंस और फॉर आते हैं, और फाइनली आपके पास टाइम फ्रेम रहता है। तो ये कुछ सेंटेंस की स्ट्रक्चर रहती है आपकी, ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आगे जाने से पहले हम ये भी देख लेते हैं कि ये जो दो कीवर्ड मैंने बोले हैं, फॉर और सिंस, इनके यूजेस क्या हैं, कौन सा कब यूज़ करना है मुझे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने बताया आपको फॉर, वो होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब आपको एज सच स्टार्टिंग पॉइंट किसी चीज़ का नहीं दे रखा होता है तब आप फॉर का यूज़ करते हो, लाइक 3 days, 5 hours, 6 months, 7 years, इसमें आपको शुरुआत का नहीं पता है कि कब से वो इंटरवल काउंट हो रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ आपको पता नहीं होती है। और सिंस के केस में ये होता है कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं और अब तक वो चीज़ चली आ रही है, तो वो चीज़ होती है पॉइंट ऑफ टाइम के केस में, ठीक है, जब हम सिंस का यूज़ तभी करते हैं जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है। लेट्स से 1997, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर ईयर दे दिया मेरे को स्टार्टिंग का, मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, तो जब ऐसा कुछ दिया होता है तब हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उससे और क्लैरिटी आएगी हमें। जैसे वह 3 घंटों से क्रिकेट खेल रहा था, यहाँ 3 घंटे बोले हैं उसने, और उसने स्पेसिफाई नहीं किया है कुछ भी, तो हम यहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, ये हमारा टाइम फ्रेम हो गया। फॉर के बाद टाइम फ्रेम क्या है, 3 आवर्स का, ठीक है। मैं 2003 से इंग्लिश पढ़ा रहा था, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2003, ठीक है। राम 5 साल से दिल्ली में रह रहा था, राम हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स, यहाँ भी आपको उसने इंटरवल ऑफ टाइम दिया हुआ है, ठीक है। वे सुबह से ताश खेल रहे थे, They had been playing cards since morning. यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम है आपका, क्या सॉरी हम 5 महीनों से काम कर रहे थे, We had been working for 5 months. यहाँ भी इंटरवल है आपके पास सिर्फ, ठीक है, तो आपने इसको सिंपल फॉर लगा के यूज़ कर लिया। ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, जो हैड है हमारे इस केस में, उसके साथ आपको नॉट अटैच करना होता है, बाकी की सेंटेंस फॉर्मेशन आपकी बिल्कुल सेम रहती है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके भी। वह 3 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। मैं 2003 से इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा था, आई हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2003। राम 5 साल से दिल्ली में नहीं रह रहा था, राम हैड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स। वे सुबह से ताश नहीं खेल रहे थे, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग कार्ड्स सिंस मॉर्निंग। हम 5 महीनों से काम नहीं कर रहे थे, वी हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 5 मंथ्स। तो इस तरह से आपकी नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो आप बना सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। चलिए उसके बाद अब हम देखते हैं हमारी जो थर्ड कैटेगरी होती है सेंटेंसेस की, वो होती है इंटरोगेटिव सेंटेंस की, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, जिसमें से पहली हमारी यस नो क्वेश्चंस है। यस नो क्वेश्चंस जिनका आंसर आप यस या नो में दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर ही यस या नो में होता है, उनके लिए उनको आप कैसे बनाते हो, उनको बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम लोग सब्जेक्ट से पहले प्लेस कर देते हैं, तो वही हमारा यू नो यस नो क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ पे हैड सबसे पहले आया है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन, वी फोर, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर में से एक कीवर्ड, और फिर आपका टाइम फ्रेम। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या वह 3 घंटों से क्रिकेट खेल रहा था, तो इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हो, तो हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, ठीक है। क्या मैं 2003 से इंग्लिश पढ़ा रहा था, इसका भी आंसर यस नो में हो सकता है, तो हैड आई बीन टीचिंग सिंस 2003। क्या राम 5 साल से दिल्ली में रह रहा था, हैड राम बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स।
क्या वे सुबह से ताश खेल रहे थे? Had they been playing cards since morning? क्या हम 5 महीनों से काम कर रहे थे? Had we been working for 5 months? तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो यस या नो में आंसर हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले अटैच कर दिया और पूरी की पूरी फॉर्मेशन मेरी हो गई है सेंटेंस की, ठीक है, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया इंग्लिश के अंदर। चलिए नेक्स्ट जो पार्ट आता है हमारा वो इंटरोगेटिव के अंदर WH क्वेश्चंस का आता है, जिनमें आपको प्रॉपर इलाबोरेशन देनी पड़ती है, ठीक है। उसके लिए क्या होता है कि आपके पास WH कीवर्ड्स होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, है ना, विच, ये जो वर्ड्स हैं उनको आप सबसे पहले रखते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट रहता है, फिर बीन आता है, वी फोर आता है, ऑब्जेक्ट आएगा आपका, और सिंस या फॉर में से एक, और फिर फाइनली आपका टाइम फ्रेम आएगा। लेट्स टेक यू नो सम एग्जांपल्स। वह 3 घंटों से क्या कर रहा था, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, उसके काम के बारे में बताना है। व्हाट हैड ही बीन डूइंग फॉर 3 आवर्स, मैं 2003 से क्या पढ़ा रहा था। व्हाट हैड आई बीन टीचिंग सिंस 2003, राम 5 साल से कहाँ रह रहा था। वेयर हैड राम बीन लिविंग फॉर 5 ईयर्स, वे सुबह से क्या खेल रहे थे। व्हाट हैड दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या हम 5 महीनों से क्या कर रहे थे। व्हाट हैड वी बीन डूइंग फॉर 5 मंथ्स। तो इस तरह से हम लोग WH क्वेश्चंस भी बना सकते हैं इसके, ठीक है। चलिए ओके गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही है, ठीक है। मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा आपको। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है, किसी भी टाइप का डाउट कि सर ये चीज़ हमें अभी भी समझ नहीं आई है, तो यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके पूछ सकते हो। यू कैन ईमेल अस, ईमेल हमारी यू नो लास्ट स्लाइड में दे रखी है हमने, और हम लोग कंटिन्यूसली यू नो आपके लिए एजुकेशनल कंटेंट लेके आ रहे हैं। और अभी हम लोगों ने आज की वीडियो के साथ पास्ट टेंस कंप्लीट कर लिया है, तो नेक्स्ट हमारी जो सीरीज रहेगी उसमें हम लोग प्रेजेंट टेंस पिक कर रहे हैं। बट अगर आपको चाहिए कि सर ग्रामर का, मैथ्स का, इंग्लिश का, मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हो कि हम पहले आपके लिए लेकर आएँ, तो यू कैन लेट अस नो इन द यू नो कॉमेंट सेक्शन, और हम उस टॉपिक पे आपके लिए एक वीडियो जरूर लेके आएंगे। ओके थैंक यू गाइस।